फ्रेंड्स, मैं हूँ मुर्तजा अली खान और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आर्ट फेयर में जो ओखला NSIC ग्राउंड्स में हो रहा है। ये 2023 का आर्ट फेयर है और ये बैक है इन ऑल इट्स ग्लोरी। अब बीच में एक पेंडेमिक की वजह से हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था लास्ट ईयर और बहुत ज़्यादा इसकी जो चक्का चौंध है उसमें कमी आई थी, पर इस बार हम देख रहे हैं कि आर्ट फेयर पूरी तरह से वापस आ गया है। इस वक्त इजरायली परफॉर्मर्स यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और शाम का वक्त है। अब लोगों ने आर्ट को सेलिब्रेट कर लिया है, अब पार्टी और म्यूज़िक का वक्त है और आप देख रहे हैं किस तरह की चक्का चौंध इस बार देखने को मिल रही है। आज स्पेशल प्रीव्यू था डे वन, ये कल भी जारी रहेगा, परसों भी जारी रहेगा और संडे को यानी कि 12 तारीख को दिस विल कम टू एन एंड। तो अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली NCR में हैं, कहीं भी हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आर्ट लवर हैं, आर्ट एंथुजियास्ट हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। इंडिया के ही नहीं, ग्लोबली आपको बेस्ट ऑफ आर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। आज सुबह इनॉग्रेशन के टाइम पे जो फेस्टिवल फेयर डायरेक्टर हैं जया सोकन, उन्होंने बता दिया था कि इस बार का जो आर्ट फेयर है वो साउथ एशिया को, एशिया को सेलिब्रेट कर रहा है और ये बहुत बड़े वे में आर्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। और जो हमने देखा भी, मैं सुबह से यहाँ पे अलग अलग गैलरीज में जा रहा हूँ, मैंने आपको इसराइल की बात करी, इसराइल का जो आर्टिस्ट है इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत धमाल हो रहा है। और साथ ही साथ यिगाल यहाँ पे इसराइली फ़ोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे अपनी काम को लेके आए हुए हैं, गैलरी को लेके आए हुए हैं। उनका काम बहुत कमाल का लगा, उनसे मैंने इंटरेक्शन करी और फोटो रियलिज़म को सच में एक नए मकाम पे ले गए हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड हैं वो और लेकिन इसराइली आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल का उनका काम है। उसके अलावा यहाँ पे इमामी का आपको दिखेगा बहुत अच्छा काम है। KCC जो है वो इस बार का इंक्लूसिविटी पार्टनर है और आर्ट फेयर हर बार की तरह मुझे पूरी तरह से थ्रिल कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। आर्ट को लेकर यहाँ पे बेस्ट ऑफ आर्ट, बेस्ट ऑफ कल्चर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडियन आर्टिस्ट ही नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आपको यहाँ मिल रहे हैं। लगभग सारी एम्बेसीज, कल्चर सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व है। और मैं यहाँ पे जब आया सुबह तो मैंने यहाँ पे बहुत कम लोग देखे थे क्योंकि स्पेशल प्रीव्यू था और अब भीड़ बढ़ती जा रही है, डांस पार्टी का टाइम हो रहा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक क्विक अपडेट आपको दे दूँ और अब मैं भी इन सबको इन्जॉय करने जा रहा हूँ। तो अगर आप आर्ट के लवर हैं और दिल्ली NCR के आसपास हैं तो आप ज़रूर आइए और लुत्फ़ उठाइए इस आर्ट फेयर का।